लगातार 7 दिन बारिश हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लगातार 10 मैच जीत गए। वो लगातार 3 दिन से बीमार है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में लगातार चलना ये कॉमन है। लगातार किसी काम चलना, इसे हम कहते हैं इन अ रो, यानी बिना अटके। जो काम कंटिन्यूसली चलता है ना, उस काम को हम बोलते हैं इन अ रो। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस, यानी कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। इसके बाद आपको यूज कर देनी है नंबर। नंबर के बाद आपको यूज कर देनी है टाइम्स हो, ईयर्स हो, डेज हो, मंथ्स हो, जो भी आपके सेंटेंस में उसको लिख देंगे। इसके बाद आपको यूज कर देनी है इन अ रो। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। लगातार 7 दिन बारिश हुई। It rained for 7 days in a row। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लगातार 10 मैच जीत गए। I can't believe that you won 10 matches in a row। वो लगातार 3 दिन से बीमार है। He has been sick for 3 days in a row। मैंने उसे लगातार 4 बार हराया है। I have defeated him 4 times in a row। तुम लगातार 2 बार मैच हार गए। You lost the match 3 times in a row।